सुष्मिता यादव, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। जालौन में पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। बुधवार को जालौन के मुख्यालय उरई में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र में लगातार बढ़ रही मोबाइल चोरी की घटनाओं को लेकर कोतवाली पुलिस को लगाया गया था, जिनके बाद मोबाइल की एक दुकान से एक मोबाइल चोरी हो गया। इस दौरान गश्त पर निकली पुलिस ने 3 संदिग्धों से पूछताछ की तो उन्होंने मोबाइल चोरी की बात कबूल ली, जिनके पास से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद हो गए। पकड़े गए युवक आपराधिक इतिहास भी है, जिन पर जालौन, कन्नौज समेत अन्य जनपदों में भी आपराधिक मामला दर्ज है। आरोपियों को जेल भेजा गया है। कल उसके यहाँ ये 3 जो अभियुक्त आपके सामने पेश किए गए, ये आए, इन्होंने मोबाइल खरीदने के बहाने से वहाँ पर जो मालिक था उसका मोबाइल हाथ की सफाई से, या जिसे टप्पेबाजी कह सकते हैं, उस तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। शक के आधार पर जब इन्हें रोका गया तो वो फ़ोन तो बरामद हुआ ही, इसके अलावा इनके पास से ये 5 फ़ोन बरामद हुए कुल मिला के। पूछताछ पर मालूम पड़ा कि ये इस प्रकार से दुकानों पर या जहाँ शादियाँ वगैरह होती हैं, ऐसे बारात घरों में या घरों में जाकर चोरी करने के अभ्यस्त हैं। ये औरैया और कानपुर देहात के रहने वाले लड़के हैं। इनके संबंध में संबंधित थानों से जानकारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति का लंबा आपराधिक इतिहास भी निकला और उसने स्वीकार किया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ भी जगह जगह जाकर चोरी करता रहा है। इनके संबंध में और जानकारी जो बगल के जनपद हैं उन्हें सूचना दे दी गई है, जिससे कि वो अपने यहाँ अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो उसकी तस्दीक कराकर इनसे पूछताछ कर सकें। ये है जालौन से हमारे संवाददाता अनुज पाटकर की खास रिपोर्ट।